26 मार्च 2019 मंगलवार आज की बड़ी खबरें। दोस्तों स्वागत है आपका ज्ञान मित्र न्यूज चैनल में, हूँ आपका ज्ञान मित्र कुलदीप पांडे। दर्शकों आज के सुबह हम बात करने जा रहे हैं आज 26 मार्च 2019 की मंगलवार की आज की बड़ी खबरें कौन कौन सी निकल के आ रही हैं, तो जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखो। यदि आपने अभी तक हमारे ज्ञान मित्र न्यूज चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरह का अपडेट न्यूज सबसे पहले प्राप्त करने के लिए हमारे ज्ञान मित्र न्यूज चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन दबा दें जिससे इस तरह का अपडेट न्यूज आप तक तुरंत पहुंच पाए और आप उनसे लाभान्वित हो सके। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के, जान लेते हैं फटाफट कौन कौन सी 5 खबरें हम आज इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। तो पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है मध्य प्रदेश में, सामने आया स्कूल ड्रेस का घोटाला। कमलनाथ सरकार के समय में एक बड़ा घोटाला सामने अभी अभी आया है। उसी के साथ दिग्विजय सिंह ने दी शिवराज सिंह चौहान को बड़ी चुनौती। कौन कौन सी चुनौती है और क्या है पूरी जानकारी जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। बात कर लेते हैं तीसरी बड़ी अपडेट के बारे में, जो कि नंद कुमार ने भारतीय मीडिया को पाकिस्तान न्यूज एजेंसी कहा है। उसी के साथ चौथी बड़ी खबर जो हम आज जानने वाले हैं उसमें है किसान को तंग करने वाले बिजली कंपनियों का अधिकारी सस्पेंड हुआ। उसी के साथ पांचवी बड़ी खबर है संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण के आदेश से। तो क्या है पूरी जानकारी आइए जान लेते हैं सभी खबर एक एक करके सारी खबरों को विस्तार से। तो शुरू करते हैं पहली बड़ी खबर से जो कि निकल कर आ रही है ड्रेस घोटाले में CEO में शिकायत दर्ज, तत्कालीन कलेक्टर और अफसरों के नाम। भारत दोस्तों बता दें सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को घटिया गुणवत्ता की ड्रेस वितरित करने एवं ड्रेस के नाम पर फर्जीवाड़ा करने के मामले में राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ने शिकायत शिवपुरी के तत्कालीन कलेक्टर एवं अन्य अफसरों के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। EOW मुख्यालय ने मामले की जाँच के लिए ग्वालियर EOW SP को शिकायत भेजी थी। पिछले साल सितंबर माह में शिवपुरी जिले के सहकारी प्राथमिक एवं माध्यमिक स्कूलों में पढ़ने वाले करीब 2,40,000 स्कूल बच्चों को ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से 600 रुपये में प्रत्येक बच्चे को एक जोड़ी गणवेश उपलब्ध कराने के लिए 14,40,00,000 रुपए का बजट दिया गया था, लेकिन बच्चों की गणवेश के मामले में तत्समय तत्कालीन DPC शिरोमणि दुबे द्वारा घटिया स्तर की गणवेश तैयार कराए जाने का मामला उजागर किया गया, जिसके बाद पूरा मामला प्रदेश भर में सुर्खियों में रहा था। अभिभाषक राजीव शर्मा की शिकायत पर आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ने तत्काल कलेक्टर शिल्पा गुप्ता, जो SRLM की मिशन संचालक थी, वह SRLM के जिला प्रबंधक अरविंद भार्गव व अन्य के विरुद्ध शिकायत दर्ज कर ली गई है। हालांकि शिवपुरी में ड्रेस घोटाले का मामला तत्कालीन कलेक्टर शिल्पा गुप्ता से पहले का है, क्योंकि विभागीय अधिकारियों की लापरवाही की वजह से ड्रेस मामले में स्थानीय स्तर पर जांच की गई थी। आइए बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं दूसरी बड़ी अपडेट खबर के बारे में जो कि निकल कर रही है दिग्विजय सिंह ने तोड़ी चुप्पी, शिवराज सिंह चौहान को दी खुले मंच पर बहस करने की चुनौती। आपको बता दें राजधानी भोपाल से कांग्रेस की ओर से चुनाव रण में उतरे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने टिकट मिलने के बाद यह चुप्पी तोड़ते हुए BJP पर हमला बोला है। उन्होंने भाजपा पर तीखे हमले बोले हुए कहा है कि उनसे BJP डरती है। उन्होंने पूर्व CM शिवराज सिंह चौहान को चुनौती देते हुए कहा है कि वह उनसे खेले खुले मंच पर बहस क्यों नहीं करते हैं। ये बात दिग्विजय सिंह ने मीडिया से चर्चा के दौरान कही है। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को उनके भोपाल से चुनाव लड़ने की वजह से डर लगता है। इस बार राष्ट्र का चुनाव है, भाजपा के 5 साल के रिपोर्ट कार्ड पर चुनाव होगा। उन्होंने मोदी सरकार के 2014 में जनता के किए गए वादों का जिक्र करते हुए कहा है कि बेरोजगारी, आर्थिक अर्थव्यवस्था, शिक्षा, खाते में 15 लाख रुपए पहुंचाने का वादा, विदेशों में काला धन चुनावी मुद्दे रहे हैं। उन्होंने PM मोदी पर निशाना साधते हुए कहा है कि इस बार का चुनाव मोदी के कुशासन के खिलाफ लड़ा जाएगा। यह नहीं, दिग्विजय सिंह ने पूर्व CM पर निशाना साधते हुए उन्हें 1-to-1 बहस के लिए चुनौती दे डाली। उन्होंने कहा है कि शिवराज मुझसे सार्वजनिक मंच पर बहस क्यों नहीं करते। उन्होंने कहा है कि BJP उनसे डरती है, इसलिए इसके बारे में गलत बयानबाजी करती है। BJP की ओर से लगातार सामने आ रही दावेदारियां पर भी उन्होंने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मेरे खिलाफ जिसे चुनाव लड़ना है वह मैदान में आए। आइए बढ़ते हैं
आगे बात कर लेते हैं तीसरी बड़ी अपडेट खबर के बारे में जो कि निकल के आ रही है। चुनाव सवाल पूछने पर भड़के नंद कुमार सिंह चौहान, भारतीय मीडिया को पाकिस्तान न्यूज एजेंसी करार दिया। दोस्तों आपको बता दें कि अपने बयान को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहने वाले बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और खंडवा लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार नंद कुमार सिंह चौहान एक बार फिर कुछ ऐसे ही बोल गए जिससे बवाल मच गया है। देर शाम खंडवा पहुंचे पार्टी कार्यालय में भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने भारतीय मीडिया को पाकिस्तान न्यूज एजेंसी कह दिया है। मीडिया द्वारा मोदी लहर पर सवाल किए जाने पर उन्होंने कहा है कि सवाल पाकिस्तान न्यूज एजेंसी का है, देश में मोदी का तूफान है। खंडवा लोकसभा के भाजपा ने सातवीं बार नंद कुमार सिंह चौहान को अपनी प्रत्याशी बनाया है। वह 5 बार यहां से सांसद रह चुके हैं और वर्तमान में भी सांसद है। पार्टी की ओर से सातवीं बार टिकट दिया जाने पर उन्होंने कहा है कि यह पार्टी के नेतृत्व का उन पर भरोसा है जिस पर वह खरा उतरेंगे। वहीं अब जब उनसे मीडिया द्वारा सवाल किया गया कि देश के से मोदी लहर फीकी होने लगी है तो वह पत्रकार पर गुस्सा हो गए और कहा कि यह आपको पास कोई पाकिस्तान के रेडियो की खबर आपके पास आई होगी। देश भर में मोदी जी की लहर है और मोदी जी का तूफान है, पूरे देश मोदी जी के साथ खड़ा है। आप जो मेरे से सवाल कर रहे हैं कोई पाकिस्तानी न्यूज एजेंसी का होगा। आइए बढ़ते हैं आगे बात कर लेते हैं चौथी बड़ी अपडेट खबर के बारे में जो कि निकल के आ रही है। किसानों को तंग करने वाले बिजली कंपनी का अधिकारी हुआ सस्पेंड। दोस्तों आपको बता दें खबर बैरागढ़ भोपाल की है। बैरागढ़ स्थित बिजली कंपनी के दफ्तर में जहर पीकर आत्महत्या करने का प्रयास करने के मामले में बिजली कंपनी के उच्च प्रबंधक ने जय सन्नी वर्गीस को सस्पेंड कर दिया है। लाइनमैन प्रहलाद वर्मा को तबादला कर दिया गया है। शनिवार को ग्राम बहटा निवासी किसान अवध नारायण सिसोदिया ने बिजली का बिल अधिक आने और कनेक्शन कटने से दुखी होकर बिजली कंपनी के दफ्तर में ही जहर पी लिया था। श्री सिसोदिया ने सुसाइड नोट भी लिखा था जिसमें ए अनिल वर्मा एवं जय सन्नी वर्गीस पर सन्नी वर्गीस पर परेशान करने का आरोप लगाया था। रविवार को किसान अवध नारायण ने बयान दिए हुए थाना प्रभारी अजय मिश्रा के अनुसार किसान ने कहा है कि बिल अधिक आया था इसलिए मैं तनाव में था। शिकायत करने के बाद भी सुनवाई नहीं हुई तो मैंने जहर पीने जैसा कदम उठा लिया। इस मामले में बिजली कंपनी ने प्रथम दृढ़ता जेई को दोषी मानते हुए निलंबित की कार्यवाही की गई थी। उन्होंने रीडिंग देर कराने का दोषी माना गया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता त्रिलोक दीपानी ने इस मामले में ए अनिल वर्मा पर भी कार्यवाही की मांग की है। श्री दीवानी ने कहा है कि कंपनी के दफ्तर में आम आदमी की सुनवाई नहीं हो पा रही है। इधर श्री वर्मा ने कहा है कि किसान एवं दीपानी के आरोप को गलत बताने हुए कहा है कि हम पूरी पारदर्शिता से काम कर रहे हैं। आइए बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं पांचवी और अंतिम बड़ी खबर के बारे में जो कि निकल के आ रही है। संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण क्यों नहीं किया जा सकता है, ये कहना है हाई कोर्ट ने पूछा है सरकार से। दोस्तों आपको बता दें मध्य प्रदेश कर्मचारी अधिकारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष रमेश राठौर ने बताया है कि मध्य प्रदेश सहकारिता एवं पंजीयक सहकारिता संस्थान विभाग जिला द्वारा जिला सहकारी बैंकों में डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर नियमित पदों पर नई भर्तियों की जा रही हैं तथा पहले से संविदा पर कार्यरत डाटा एंट्री ऑपरेटरों को नियमित नहीं किया जा रहा है। आयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं द्वारा 1 मार्च 2019 को आदेश जारी किया गया है कि जून 2019 तक आपकी सेवाएं अंतिम है के निर्णय के विरोध में मध्य प्रदेश सहकारी विभाग के अंतर्गत जिला सहकारी बैंक राजगढ़ में संविदा पर कार्य करने वाले कंप्यूटर ऑपरेटर खुशहाल सिंह, जगदीश गुर्जर, रवि सोजनिया, नीरज मालाकार, राकेश प्रजापति, उमेश परेठा, गोपाल नागर, लोकपाल सिंह, संदीप यादव को जो कि कंप्यूटर ऑपरेटर के पद जिला सहकारी बैंकों में कार्यरत थे के द्वारा नियमित पदों पर पहले कार्यरत संविदा कर्मचारियों को प्राथमिकता दिए जाने के संबंध में लगाई गई याचिका में कार्यकर्ताओं कर्मचारियों के वकील विवेक फड़के के द्वारा की गई पैरवी में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के इंदौर हाईकोर्ट बेंच के जज माननीय विवेक रूसिया ने मध्य प्रदेश सरकार से पूछा है कि जब सरकार ने 5 जून 2018 को समस्त विभागों के संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण की नीति
बनाई है तथा विभाग में पद भी नियमित खाली पद भी मौजूद है। विभाग उन पदों पर अन्य लोगों की नियमित भर्ती कर रहे हैं। तो वर्षों से डाटा एंट्री ऑपरेटर जो संविदा पर जिला सहकारी केंद्रीय बैंक में कार्य कर रहे हैं, ऐसे संविदा कर्मचारियों को 5 जून 2018 में मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासनिक विभाग द्वारा बनाई गई नियमितीकरण की नीति के अनुसार उनको नियमित क्यों नहीं किया जा सकता है। इसका जवाब 90 दिन के में सरकार एक स्पीकिंग ऑर्डर जारी कर कारण सहित बताएगी। दर्शकों, इस प्रकार से इस वीडियो हमने आपको बताया मध्य प्रदेश की 5 बड़ी अपडेट खबर जो कि आपको जानना थी ज़रूरी, जो कि रखे आपको अपडेट। तो आशा करते हैं आपको हमारा आज का विषय बस पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि सभी जानकारी से लाभान्वित हो सके। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरह का अपडेट न्यूज़ सबसे पहले प्राप्त करने के लिए हमारे ज्ञान मित्र न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन दबा दें, इस तरह का अपडेट न्यूज़ आप तक तुरंत पहुँच पाए और आप उनसे लाभान्वित हो सके। दर्शकों, आज के वीडियो में इतना ही। हम फिर हाजिर होते हैं एक नए विषय के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।